हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जो हमने की थी यूज़र मॉडल के ऊपर, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हमने इसके ऊपर एड मीटिंग सेट करनी है। लाइक एक यूज़र दूसरे यूज़र को बता सकता है कि भाई इतने बजे मीटिंग है और आपका आना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये कैसे करेंगे हम, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने एड एम्प्लॉय में आए हुए हैं तो हमने यहाँ पे आके एक मॉडल क्रिएट करना है। तो आप चाहो तो मीटिंग का अलग से एक ऐप क्रिएट कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय मॉडल के अंदर ही मैं उस मीटिंग का डाटा मैं स्टोर करूँगा। तो ठीक है, मीटिंग एंड इसके अंदर आता है मॉडल्स डॉट मॉडल एंड मॉडल्स डॉट मॉडल है, तो मॉडल्स डॉट मॉडल एंड दिस। उसके बाद मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है, तो एजेंडा मीटिंग का तो ये कुछ बड़ा हो सकता है, तो मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड लूँगा। एंड उसके बाद मीटिंग का जो टाइटल क्या हो सकता है, तो मॉडल्स डॉट, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो, एंड मॉडल्स डॉट टाइटल है तो सिंगल लाइन का होगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैर फील्ड, और कैर फील्ड है तो हमें मैक्स लेंथ यूज़ करना ही पड़ेगा, तो मैक्स अंडरस्कोर लेंथ उसके बाद 50। एंड उसके बाद इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन आ सकते हैं, तो मेंबर कहाँ से आएंगे, वो आएंगे एम्प्लॉय मॉडल से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंबर ऐड करेंगे। तो मेंबर्स इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड फॉरेन की में कौन से होंगे, एम्प्लॉय मॉडल, क्योंकि हमने मीटिंग किसके साथ करनी है, एम्प्लॉय के साथ करनी है। एंड अगर ये एम्प्लॉय डिलीट होता है तो क्या हो, तो मॉडल्स डॉट सेट नल, ठीक है, एंड नल इक्वल्स टू ट्रू, हमने यहाँ पे ये भी लगा लिया। एंड डेट एंड टाइम क्या होगा, तो डेट एंड टाइम, तो मॉडल्स डॉट डेट फील्ड या डेट एंड टाइम फील्ड, डेट टाइम फील्ड आ गया, एंड ये ऑटोमेटिकली एक पिक करेगा, ऑटो नाउ एड इक्वल्स टू ट्रू, एंड मीटिंग टाइम ये होगा मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। ठीक है दोस्तों, अब ये डेट एंड टाइम एंड मीटिंग टाइम क्या है, ये दो फील्ड मैंने डेट के लिए लिया है एंड मीटिंग टाइम के लिए लिया है, क्यों, तो डेट एंड टाइम के लिए जो मैंने यूज़ किया है ये है ऑटोमेटिकली कि मीटिंग कब असाइन हो रही है, लाइक आज हो रही है या कब हो रही है, ठीक है। एंड मीटिंग टाइम लाइक हफ्ते बाद मीटिंग है या कब की है, तो उसके लिए कि मीटिंग कब है एंड ये मीटिंग असाइन कब की गई थी, ठीक है, तो एक ये हो गया। एंड चलो फिलहाल के लिए इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि मे बी सारा कुछ तो हो गया है, टाइटल भी आ चुका है कि मीटिंग की एजेंडा क्या है, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड क्या होने वाला है, उसके बाद मेंबर्स कौन से होंगे, डेट एंड टाइम क्या होगा एंड मीटिंग टाइम क्या होगा, तो बेसिकली यही होता है। अगर और कुछ चाहिए होगा तो बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो डेफ str सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल, क्योंकि इसमें नेम हमने लिए नहीं है तो हम इसमें टाइटल यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर ये बना लिया मॉडल, अब इसके बाद हमको ये फॉर्म सेव भी तो करवाना है। तो सबसे पहले जहाँ पर हमने फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एम्प्लॉय किया था कि एम्प्लॉय ये इस ऐप में, इस ऐप के मॉडल्स में मेरे पास एम्प्लॉय पड़े हुए हैं, एंड उसी में मेरे पास क्या पड़े हैं, उसी में पड़ा है मेरे पास मीटिंग, तो मीटिंग कॉल कर लिया। एंड सेम फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड नीचे आके पेस्ट कर दूँगा, तो ये एम्प्लॉय फॉर्म नहीं होगा, ये होगा मीटिंग फॉर्म, मीटिंग फॉर्म क्लास मेटा मॉडल
मॉडल कौन सा होगा? मॉडल होगा मीटिंग जो अभी हमने कॉल किया है, एंड फील्ड्स मेरे को चाहिए सभी। एंड उसके बाद मैं आऊँगा व्यू में, एंड ऐड एम्प्लॉय हमने किया था, हमने यहाँ पे करना है डेफ ऐड मीटिंग, ऐड मीटिंग, और ये है व्यू। तो इसमें क्या पास करते हैं? इसमें हम पास करते हैं रिक्वेस्ट, रिटर्न, रेंडर, फिर रिक्वेस्ट, उसके बाद किस ऐप में, तो एम्प्लॉय के ऐप में कौन सी फाइल हमको रेंडर करनी है, तो ऐड मीटिंग डॉट एच टी एम एल की फाइल मेरे को चाहिए। एंड एज यूजुअल मैं कॉन्टेक्स्ट पास करता हूँ, ठीक है। एंड कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस, ओके दोस्तों। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ऐड एम्प्लॉय बनाया है, एक और हम यहाँ पे एच टी एम एल की फाइल बनाएंगे ऐड मीटिंग डॉट एच टी एम एल, ओके दोस्तों। एंड फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी कर लेनी है, एक्सटेंड जो जिंजा टेम्पलेट है वो हमने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। एंड ब्लॉक को स्टार्ट किया है, तो ब्लॉक को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, तो एंड ब्लॉक कॉन्टेंट, ठीक है दोस्तों। इतना तक तो हमारा हो चुका है। एंड हमने क्या करना है, हमने एक यूआरएल भी तो बनाना है, तो इसी को यहाँ पर हम करेंगे पाथ, एंड क्या है ऐड मीटिंग, एंड उसके बाद व्यूज में हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है ऐड मीटिंग, तो ऐड एम्प्लॉय नहीं है, सॉरी ऐड मीटिंग है, ऐड मीटिंग। एंड नेम क्या होगा इसका, इसका नेम होगा ऐड मीटिंग, तो मैं इस नेम को यहाँ पर कॉपी करूँगा। एंड फिर मैं यहाँ पर आऊँगा कहाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आऊँगा, एंड यहाँ पर देखते हैं कि मैं मीटिंग कहाँ पर शो करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे आर्किटेक्ट्स दिख रहे हैं ना, मेरे को आर्किटेक्ट्स तो इसमें चाहिए नहीं, इसमें चाहिए मेरे को मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग। एंड जो ये लिंक है यहाँ पे मैं पास करूँगा कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज, यूआरएल, सिंगल कोट्स, ऐड मीटिंग, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, आकर पेज को रीलोड करते हैं, एंड यहाँ पर होना चाहिए मीटिंग्स, तो ऐड मीटिंग डॉट एस टी एम एल नोट फाउंड, तो लेट मी चेक कि क्या एरर आया है। हम व्यूज़ में आएंगे, ओके सॉरी, ये ऐड मीटिंग का जो है, ये जो फाइल बनी थी ये एम्प्लॉयज़ से बाहर बन गई थी, तो इसको एम्प्लॉय के अंदर डाल देते हैं। एंड अब जाके पेज को फिर से रीलोड करेंगे, तो ये ऐड मीटिंग चल पड़ी, आप यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉय के अंदर ऐड मीटिंग वहाँ पे लिख के आ रहा है, लाइक एच वन ऐड मीटिंग, ओके। पेज को रिलोड करें तो यहाँ पर ऐड मीटिंग आ रहा है, पहले यहाँ पर भी आ रहा था, अब यहाँ पर भी आ रहा है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे सीधा बूटस्ट्रैप के अंदर, एंड उसके अंदर फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो ये फर्स्ट है, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, फर्स्ट क्यों, हम दोनों को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें एजेंडा भी तो चाहिए, तो दोनों को क्या कॉपी, एंड डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, ठीक है। एंड रो से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म भी ऐड करूँगा, तो फॉर्म पोस्ट एंड, ठीक है दोस्तों। एंड ये फॉर्म पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं सी एस आर एफ टोकन भी ऐड करूँगा, तो सी एस आर एफ टोकन भी हो गया, एंड रो भी हो गया, तो डॉट, चलो पेस्ट करते हैं इसको हम यहाँ पे, एंड रो के यहाँ पर आकर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, लाइक कॉल MD4, ओके दोस्तों। पेज को अगर मैं यहाँ पर आके करूँ रीलोड,
तो देखते हैं ये कैसा हमारे पास, सॉरी पेज को किया रीलोड। तो सी एस तरफ टोकन एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक, लाइक टोकन के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव, पेज को रीलोड किया तो ये कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है, एड मीटिंग ये नीचे चला गया। इसको हम करते हैं यहाँ से कट एंड फॉर्म के ऊपर आके करते हैं पेस्ट। तो फॉर्म के ऊपर आके करते हैं यहाँ पे पेस्ट एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो अब ठीक हो गया है एंड ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है। अब ये ईमेल तो नहीं है, ये है हमारे पास टाइटल ऑफ द मीटिंग, टाइटल ऑफ द मीटिंग, टाइटल ऑफ द मीटिंग एंड ये टाइप यहाँ पर आएगा टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर आएगा लाइक कुछ भी ABC। ओके, पेज को रिलोड किया तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड ये है एजेंडा ऑफ द मीटिंग, तो एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड ये टेक्स्ट एरिया है। तो ठीक है, पेज को रीलोड करते हैं, एजेंडा ऑफ द मीटिंग आ गया। एंड अब हमारे पास मॉडल में और क्या था, तो मॉडल में था मेंबर्स कौन कौन से ऐड होने चाहिए। तो अब इसमें हम मेंबर्स भी शो कराएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम नहीं, यहाँ पे मैं मेंबर को कॉल कर लूँगा, मेंबर एक नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा मेंबर। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो एम्प्लॉय है ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं उसके मैं ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लूँगा। तो एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एंड फिर कॉन्टेक्स्ट में आके मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट में आके मैं उस मेंबर की वैल्यू को पास कर दूँगा। तो मेंबर एंड MEMBER मेंबर, ठीक है। तो मेंबर की वैल्यू को मैंने कर दिया यहाँ पे पास। एड मीटिंग में दोबारा आएंगे एंड फिर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बनाएंगे सेलेक्ट कमांड। तो लाइक डॉट MB3 ऐसे है, डॉट कॉल MD4 ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये सेम MB3.callMD4 बन गया। एंड इसके अंदर हमने ये जो लेबल की लाइन लिखी है इसको करते हैं कॉपी, कॉपी किया एंड तो इसके अंदर आएगा मीटिंग मेंबर। तो मीटिंग मेंबर्स एंड फिर इसके अंदर हमने लगाना सेलेक्ट कमांड, तो सेलेक्ट कमांड लगाया, नेम को ऐसे ही रहने देते हैं। नेम का हमने क्या नाम रखना है, मॉडल में है क्या नाम है, मॉडल में है मेंबर्स। तो किया कॉपी, एड मीटिंग यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लास मेरे को क्या चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था आपको। तो इसमें क्लास होगा फॉर्म, एक होगा फॉर्म कंट्रोल एंड फिर होगा फॉर्म सेलेक्ट। एंड इसके अंदर कुछ आते हैं ऑप्शंस, तो फर्स्ट वैल्यू कुछ नहीं होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी ब्लैंक छोड़ देते हैं। एंड सेलेक्ट मेंबर्स, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, होगी सेलेक्टेड, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आएगा ऑप्शंस एंड इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लगाना है एक फॉर लूप। तो फॉर आई इन मेंबर, क्योंकि हम मेंबर पास कर रहे हैं वहाँ पर, फॉर आई इन मेंबर एंड हमने यहाँ पे कर देना है N4, ठीक है। एंड वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगी i.id, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास किया है, हम यहाँ पे फॉरेन की ले रहे हैं ना, तो फॉरेन की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो होती है नंबर्स में। लाइक फॉरेन की जो वैल्यू लेता है नंबर में लेता है, लाइक अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड, तो वो उसकी आईडी के ऊपर काम करता है, प्राइमरी की आपको पता होगा। एंड हमने यहाँ पे आईडी नहीं शो करनी, हमने यहाँ पे शो करना है आई की जो नेम है वो हम शो करते हैं, ठीक है। एंड आकर अगर मैं पेज को रीलोड करूँ तो कुछ
एंड फोर का यहाँ पर आ रहा है, लाइक हमने एन नहीं डाला, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो पेज को रिलोड किया, सिलेक्ट मेंबर्स, तो यहाँ पे मेरे पास मेंबर्स सारे आ रहे हैं कि कौन से मेंबर्स हमने यहाँ पे लेने हैं। उसके बाद हमारे पास एक और था, वो था डेट। तो टेक्स्ट एरिया नहीं, हम इस को करते हैं कॉपी, एंड सेलेक्ट के बाद इस डिव से बाहर आकर पेस्ट करते हैं, एंड जो इनपुट है यहाँ पर आएगा डेट एंड टाइम, डेट टाइम। ठीक है दोस्तों, पेज को यहाँ पर किया रीलोड, तो यहाँ पर आएगा डेट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू ये आ गया, प्लेस होल्डर यहाँ से हट जाएगा, टाइटल ऑफ द मीटिंग नहीं आएगा, मीटिंग की टाइमिंग्स आएंगी, तो टाइमिंग मीटिंग टाइमिंग्स टाइमिंग एंड डेट टाइम लोकल। तो डेट टाइम लोकल से ये देखिए आपको डेट भी आएगा एंड यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, ये ऐड मीटिंग्स कुछ ऐसा अच्छा लग नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, क्लास यहाँ पे लगाऊँगा, क्लास मार्जिन टॉप 5 एंड मार्जिन बॉटम मेरे को चाहिए 4। तो कुछ ऐसा आ रहा है, मार्जिन बॉटम भी अगर मैं 5 कर दूं तो ठीक है। एंड फिर यहाँ पे अगर मैं स्टाइल कर दूं लाइक टेक्स्ट अंडरलाइन मे बी कुछ ऐसा है, तो नहीं, तो टेक्स्ट में जाके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो लाइक यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो कंट्रोल सी, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पर आए देखते हैं, तो ऐड मीटिंग भी यहाँ पर आ चुका है। एंड अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंटेनर की हमने स्टाइलिंग की थी, तो सेम वही कर देते हैं, स्टाइल मार्जिन 0 एंड ऑटो एंड जो विथ है वो 80%। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल से सेव किया, पेज को हमने यहाँ पे किया रीलोड। तो जब हम ये कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये अब बढ़िया लग रहा है। एंड अब हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ पर चाहिए लाइक जैसे ये रो ख़त्म हो रहा है, रो नहीं, यहाँ पे डॉट कॉल md 8 लगाते हैं, 8 for the 12 एंड डॉट कॉल md 12 रहने देते हैं इसको। एंड इसके अंदर हम लगाएंगे इनपुट सबमिट एंड वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट एंड क्लास इक्वल्स टू btn एंड btn सक्सेस। ठीक है, कंट्रोलर से सेव किया, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास। तो ठीक है, हमें ऐसे चाहिए टाइटल ऑफ द मीटिंग। बट आगे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पर हमने जो अभी तक नहीं किया है वो कर लेते हैं, एंड वो है python manage.py make migrations and then migrate। तो python manage.py make migrations, क्रिएट मॉडल मीटिंग डन। एंड अब हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट ऑल माइग्रेशंस डन, पेज को रिलोड करते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, फॉर्म की वैल्यू को सेव करेंगे, तो मीटिंग टाइटल की मीटिंग क्या होगा, टाइटल ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की टाइटल क्या होगा, तो लाइक कोड
नोट वर्किंग एजेंडा प्लीज चेक ऑल आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द मीटिंग। एंड यहाँ पर मुझे एक एरर ये आ रहा है कि ये सिंगल वैल्यू ले रहा है, फॉरेन की लगाया तो ये सिंगल वैल्यू ले रहा है, तो हमें यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भी चाहिए होगी, तो मल्टीपल वैल्यू भी हम लगा के देख लेते हैं। तो टाइमिंग्स सबमिट किया तो फॉर्म को सेव हो जाना चाहिए, बट हमने यहाँ पर तो लॉजिक लिखा ही नहीं है, तो फॉर्म सेव कहाँ होगा, तो फॉर्म को सेव भी करवा लेते हैं फटाफट। फॉर्म इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट सॉरी, तो एम्प्लॉय फॉर्म से मैं यहाँ पे क्या सेव करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा मीटिंग फॉर्म। तो मीटिंग फॉर्म को यहाँ पे कॉल किया एंड फॉर्म इक्वल्स टू मीटिंग फॉर्म एंड इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट की मेथड पोस्ट है तो क्या करो फॉर्म को, फॉर्म इक्वल्स टू मीटिंग फॉर्म एंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, अगर फॉर्म वैलिड है तो क्या करो फॉर्म को कर दो सेव। एंड जैसे ही ये सेव हो रहा है प्रिंट कर दो प्रिंट फॉर्म सेव्ड एंड एल्स प्रिंट फॉर्म एरर, एंड एरर क्या होगा फॉर्म डॉट एरर्स। कंट्रोलर से सेव किया, पेज को रीलोड किया एंड अब हम क्या करेंगे, फिर से टाइटल मीटिंग डालेंगे लाइक कोड नॉट वर्किंग प्लीज लुक फॉरवर्ड इट, कुछ भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी। एंड वैल्यू डाली, डेट डाला, टाइमिंग्स रख ली हमने, सबमिट किया कोड, तो यहाँ पर आ गया एरर कुछ लाइक कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, तो आई थिंक मैंने नेम नहीं डाला किसी में, नेम इक्वल्स टू टाइटल, नेम इक्वल्स टू एजेंडा, सेलेक्ट में हम नेम डालेंगे मेंबर्स एंड इसमें हम नेम डालेंगे नेम इक्वल्स टू डेट एंड टाइम। कंट्रोल से सेव, पेज को रीलोड, फिर से बहुत गलतियां करता हूँ मैं, कुछ भी डाला कुछ भी डाला। फॉर्म को सबमिट किया तो फिर से कुछ एरर है यार, सॉरी ये डेट एंड टाइम नहीं है, डेट एंड टाइम तो हमने जब मॉडल लिया था तो मॉडल में तो हमने इनबिल्ट लिया था ना ऑटो नाउ ऐड ट्रू, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा, डेट एंड टाइम की वैल्यू ये है। तो मीटिंग टाइम अगर हम आए एंड नेम में हमने डाला मीटिंग टाइम, तो कंट्रोलर से सेव किया, पेज को फिर से रीलोड किया एंड अब मैं कुछ भी डाल लूँ तो मेरा वैल्यू सेव होएगा। कंट्रोल सबमिट किया तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गया फॉर्म सेव्ड। अब जो एरर मेरे को दिख रहा है वो यहाँ पर आ रही सिंगल वैल्यू, बट मुझे चाहिए यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू, तो मल्टीपल वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए मैं मॉडल में आऊँगा एंड जहाँ पर ये मेम्बर्स लिया ना, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड मेम्बर्स इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पर चाहिए मेरे को मैनी फील्ड, यानी मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, तो यहाँ पर जेंको का मैं यूज़ करूँगा मैनी टू मैनी फील्ड,
तो दोस्तों जिसको नहीं पता है कि मैनी टू मैनी फील्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं इस वीडियो की लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप मैनी टू मैनी फील्ड वहाँ पे आके देख सकते हो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो अब इसमें मेरे को चाहिए क्या, तो इसमें चाहिए मेरे को एम्प्लॉय, कंट्रोलर से सेव किया, ठीक है दोस्तों। एंड हमने यहाँ पे चलाया मेक माइग्रेशंस, तो रिमूव फील्ड मेंबर्स फ्रॉम मीटिंग एंड ऐड फील्ड मेंबर्स टू मीटिंग्स, एंड देन हमने किया माइग्रेट ऑल माइग्रेशन डन, पेज को किया रीलोड। तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, यहाँ पर जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे ही कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने मल्टीपल वैल्यूज नहीं ली है, यहाँ पर हमने सिंगल वैल्यू ली है, सिंगल सेलेक्ट फॉर्म लगाया है। तो जब आप सेलेक्ट में आते हो एंड यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल, कंट्रोल से सेव, पेज को रीलोड एंड दिस, तो ये आपका मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है। आप कंट्रोल प्रेस करके जितनी वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ठीक है, एंड अब हम वैल्यू का नेम लिखते हैं, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कंट्रोल ऐसे सेव किया, तो आप देखोगे फॉर्म यहाँ पर सेव हो चुका है। एंड अब अगर मैं यहाँ पर आके एडमिन पैनल के अंदर जाऊँ, तो एडमिन, एंड अभी तक हमने एडमिन में आके हमने क्या नहीं किया, हमने यहाँ पे इसको रजिस्टर नहीं किया हुआ है। तो एम्प्लॉय के बाद मेरे को चाहिए मीटिंग, कंट्रोलर से सेव, कंट्रोलर से पेस्ट, एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए मीटिंग, तो मीटिंग कंट्रोलर से सेव किया, रिलोड किया, तो यहाँ पे मीटिंग्स आ गया है। एंड क्लिक करूँगा जब मैं, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी। तो इसमें तीनों ही सिलेक्ट हुए हैं एंड इसमें मैंने सिंगल सेलेक्ट किया था, तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, वो डिलीट हो गई थी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने मैनी टू मैनी फील्ड भी सेव करना है, हमने कैसे मीटिंग सेट करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे जेंगो के कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स।